साथियों जिसे बहुत गंभीर है और लगभग 3 घंटा हो चुका है, मुझे नहीं लगा कि आप लोगों को बात कोई समझ में आई हुई। हमें मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अभी तक कुछ नहीं कहा किसी ने, करना क्या है, सिर्फ जोशीले भाषण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से कि आज जब आपने हमने मीटिंग रखी है तो आपके पास प्लान क्या है, क्योंकि जो बातें निकल के सामने जो आई है, बात निकल के ये आई है कि हमारी राजनीति और सामाजिक मूवमेंट दोनों आपस में विश्वास खो दिए हैं। सामाजिक मूवमेंट राजनीतिक मूवमेंट को दोष दे रहा है, राजनीतिक मूवमेंट सामाजिक मूवमेंट को दोष दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जब तक वो सामाजिक मूवमेंट चलेगा नहीं तब तक राजनीति स्ट्रॉन्ग हमारी नहीं होगी, और जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक वो सामाजिक मूवमेंट धार्मिक मूवमेंट चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आज क्या हो रहा है, पार्टी के लोग सामाजिक मूवमेंट को नहीं लेना चाहते हैं, सामाजिक लोग पार्टी के मूवमेंट को दोष देना चाहते हैं। इन सारी बातों को खत्म करना पड़ेगा और हमें विचार की ताकत, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद माननीय साहब कांशीराम जी ने वो जादू लगाया, वो विचार की ताकत इकट्ठा की जिसने राजनीति और सामाजिक मूवमेंट को एक कर दिया। और जब राजनीति और सामाजिक मूवमेंट दोनों एक आए तो आज उसका परिणाम हम लोग देख सकते हैं। समाज को जो सम्मान मिला, देश के अंदर जो बुद्धिजन को बढ़ावा मिला, वो आपके सामने मौजूद है। मैं आपकी 2 मिनट में बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हम सभी लोग एक ऐसा सामाजिक संगठन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक मतभेद हमें उस खाई की तरफ ले जाएगा जहां से हम लोग वापस नहीं आ सकते। ये बात फैक्ट है कि हमें राजनीतिक मतभेद पैदा करना नहीं है, हमें सिर्फ एक ऐसा सामाजिक मूवमेंट पैदा करना है जो हमारे राजनीतिक लोगों को दिशा निर्देश दे सके, जिस तरह की आज से काम कर रहा है। आज बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, हम लोग बार बार आरएसएस की बात करते हैं, बार बार आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। आज आप लोगों ने एक वाक्य देखा होगा, जब माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया था तो लाल कृष्ण अडवाणी विपक्ष में खड़ा था, लेकिन जैसे उसको नागपुर ऑफिस में बुलाया 2 घंटे बाद मंत्रणा हुई और लाल कृष्ण अडवाणी को कहना पड़ा इस देश का जो प्रधानमंत्री का जो मुख्य दावेदार होगा वो माननीय नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि ये विचार की ताकत थी, वो विचार काम करता है। मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहता हूं कि हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सा विचार है, वो कौन सा विचार है जिस विचार के अंदर इकट्ठा हो सकते हैं। वो विचार है इस देश में जो समतावाद की बात करता है, इस देश में जो बराबरी की बात करता है, जो माननीय साहब कांशीराम जी ने सिखाया हमें, उस बराबरी विचार के लिए हमें कैडर तैयार करना होगा कि हम लोग कौन थे, हम लोग क्या है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था में हमारा स्थान क्या है। जब तक हम लोग एक घर घर जाकर, जब तक हर आदमी को जाकर ये बताएंगे नहीं कि हम लोग कौन थे, इस देश की सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करती है और सामाजिक व्यवस्था में हम लोग गुलाम कैसे हैं, और आने वाले समय में अगर हमने काम नहीं किया तो हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरा तो यही उद्देश्य है कि हम लोग मिलके बैठ के, शायद मैं दूसरी तीसरी मीटिंग में आया हूं और तीसरी मीटिंग में मैंने यही बात रखी है कि हम अपना प्लान रखें कि हमारा कैडर कैसा हो, कौन कौन लोग कैडर लगाए, किस तरह के लोग कैडर लगाए और किस लेवल पे हम लोग कैडर लगाए। जब तक हम लोग ये नहीं कर पाएंगे हम लोग कुछ नहीं करने वाले। इस तरह की 50 मीटिंग और कर लो, कुछ नहीं होगा, आएंगे भाषण देके चले जाएंगे, लेने जाना कुछ नहीं है। आज हमें यह तय करना पड़ेगा यहाँ से कि हमारी इस देश के मूल निवासी लोगों की समस्या क्या है और समस्या